आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। एनआरओ की गूंज, नैब की फुर्तियां और कवानीन में तब्दीलियां, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। जो भी सोच रहा है कि ये हुकूमत किसी को एनआरओ देगी, वो ये समझे कि अगर हम देंगे हम इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। उनकी बिजनेस कम्युनिटी से शिकायत मिल रही है, नैब तंग करती है, नैब की अपनी कारकर्दगी जो है उसमें बहुत बेहतरी की जरूरत है। कहा जाता है कि मर्ज बढ़ता गया जूझू दवा की, कुछ ऐसी ही सूरत हाल से आजकल तब्दीली सरकार दो चार है। चूंकि वजीरों और मुशीरों से लेके वजीर आजम तक हर एक के हवास पर डील छाई हुई है। पार्लियामेंट, मीडिया और सरकारी तकरीबात समेत कोई प्लेटफॉर्म नहीं बचा जहां वो मुबैना डील की तरदीद ना करें, लेकिन तसल्ली फिर भी नहीं हो रही। अब पता नहीं तरदीद कर रहे हैं या तदबीर, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। लेकिन सवाल यह है कि कौन किस से क्या डील मांग रहा है, किस को पैगाम दिया जा रहा है। चूंकि मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव और सुप्रीम कमांडर तो खुद वजीर आजम है, अगर वो किसी को डील नहीं दे रहे तो फिर एनआरओ को इशू क्यों बनाया जा रहा है? क्या कोई डर है, खौफ है या तवज्जो हटाने के लिए महाजराई का आसान रास्ता ढूंढा जा रहा है? दूसरी तरफ अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद नैब के किरदार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों की जानिब से इस गिरफ्तारी को बैलेंसिंग एक्ट करार दिया गया। क्या यहां महंगी नैब के पर काटने की बुनियाद बन सकती है? चूंकि वजीर आजम के तर्जुमान ने नैब की कारकर्दगी पर अफसोस का इजहार किया है। नईमुल हक कहते हैं कि नैब बिजनेस कम्युनिटी को छोटी छोटी बातों पर तंग करती है। अब ये इत्तफाक है या हुस्न इत्तफाक के वजीर आजम साबिक जो हैं मियां नवाज शरीफ, उन्होंने भी नैब पर कुछ ऐसे ही एतराजात उठाए थे। देखना यह भी है कि क्या 18वीं तरमीम को कोई बड़ा खतरा है या पीपल्स पार्टी इस मसले को करप्शन केसेस के खिलाफ ढाल बना रही है। आज प्रोग्राम में इन तमाम इशूज पर हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एनालिस्ट जनरल एजाज अवान साहब ने, लॉ एक्सपर्ट हैं राजा आमिर अब्बास साहब और सीनियर सहाफी और तजियाकार अंसार अब्बासी साहब और समी इब्राहिम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। लेंगे पहले ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज बीट। अच्छा जान साहब, वजीर आजम ये कहते हैं कि एनआरओ देना मुल्क से गद्दारी है, तो क्या ख्याल है कि ये एनआरओ देने वालों को कह रहे हैं या एनआरओ लेने वालों को कह रहे हैं? क्या कोई ऐसी चीज हो रही है? वजीर आजम क्या पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं? पारस देखें, अगर तो देने वाले अदर देन वजीर आजम है तो फिर तो वजीर आजम को इस तरह का कमेंट दे सकते हैं, लेकिन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसके एक बड़े पॉपुलर वजीर आजम है और वो एहतसाब के नाम पे ही वोट लेकर आए हैं, और बकौल जैसे उन्होंने आपके एक इंटरव्यू में भी कहा था कि मैं जेलें भर दूंगा इन करप्ट लोगों से, वो शख्स किस मुंह से आज एनआरओ देगा और किस बेसिस पे देगा? हाँ, अगर कोई लीगल प्रोविजन है और नैब के रूल्स में लीगल प्रोविजन है जो प्ली बार्गेन की है, एनआरओ की नहीं है। ठीक है, अगर प्ली बार्गेन होता है तो उसके भी अपने लीगल इम्प्लीकेशन है। जो आदमी प्ली बार्गेन करेगा उसका रूल, नैब का रूल बड़ा क्लियर है, और आमिर अब्बास साहब से हम इसकी मजीद वजाहत भी ले लेंगे कि प्लंडर्ड अमाउंट प्लस 15% एंड द पर्सन कैन एनआरओ नहीं होगा। सर, ये एनआरओ नहीं होगा। आपने कहा वजीर आजम एनआरओ नहीं दे सकते, मैंने यही सवाल किया था, जो दे सकते हैं आपको पता है कौन है? नहीं, जो ले रहे हैं वो भी शायद आपको पता होगा, तो क्या उनको कोई पैगाम? को वैसे बात करने दें, एनआरओ की डिटेल्स आपको बता रहे हैं। जो है ना, हर दरवाजे पे दस्तक देगा, चाहे वो दरवाजा खुले या ना खुले, उनके पास इख्तियारात हों या ना, जरूरतमंद तो हर दरवाजे पे दस्तक देता है। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान के अलावा कोई भी इस पोजीशन में है कि वो एनआरओ दे सके। एनआरओ मींस व्हाट और किसके पास पावर्स हैं एनआरओ देने की? तो मुझे नहीं लगता कि कोई और अदारा, जो आपने अगर सवाल मुझसे शुरू किया है तो आई कैन मेक आउट कि मेरे अदारे में कम से कम जो फॉर्मर अदारा है मेरा, स्पोक्स पर्सन मैं उनका नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि वो किसी पोजीशन में नहीं है कि वो कोई एनआरओ। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वजीर आजम परेशान क्यों है? कहां आग लगी है जो धुआं उठ रहा है? आपको पता है एनआरओ के बाद हुकूमतें गिनती जो सियासी तबसरे हो रहे हैं, जो अपोनेंट्स कह रहे हैं, जो उनके पोलिटिकल अपोनेंट्स और राइवल्स कह रहे हैं ये बात की डील हो रही है, एक पार्टी कहती है डील हो रही है, उस दिन मंजूर साहब ने पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर साहब ने कहा जी बिल्कुल लिख लें के हो रही है, वो तो अभी भी फ्राइडे शो में बोल के गए, हो चुकी है नबील का बोलने का, डील हो चुकी है, एक शर्त है बस। अगर नवीद गबोल साहब और वो ये कह रहे हैं तो इसके जवाब में पीटीआई को खामोश तो नहीं रह सकती, कुछ तो कहना पड़ेगा। अंसार भाई साहब, वजीर आजम पे कोई दबाव है जो बार बार वो इस इशू को उठा रहे हैं? क्या कोई कहीं पे ऐसी कोई कोशिश हो रही है, और एस्टेब्लिशमेंट का आपकी नजर में इस हवाले से क्या किरदार है?
देखें, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर तो मैं कोई बात नहीं करूंगा। जाहिर है जना साहब हैं, जो उनसे आपने बात करनी है वो जवाब दे दें, हम उसी को मान लेंगे। एनआरओ का कॉन्टेक्स्ट नहीं, लेकिन एनआरओ या किसी भी किस्म की जो इस तरह की माजी में जो भी रियायत या भी किसी किस्म की मैनेजमेंट, पॉलिटिकल मैनेजमेंट इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुई, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री भरी हुई है कि ये वाकयात रिपीटेडली होते मार्शल लॉ के दौर में, रिपीटेडली मार्शल लॉ के दौर में इवन अदरवाइज होते रहे, इवन अदरवाइज भी होते रहे। आप इवन अभी जो जस्टिस ईसा साहब का पूरा आप केस पढ़ लें तो आपको बड़ी चीजें समझ आ जाएंगी कि इस मुल्क में क्या कुछ होता है और क्या कुछ होता रहा है। इससे पहले जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज साहब थे, जिनको जाहिर है बाद में सैक कर दिया गया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या लिखा, वो भी सारी दुनिया के सामने है। सो बहुत कुछ होता है। इस केस में क्या होगा, देखें, इमरान खान को मुझे नहीं पता। अगर इमरान खान खुद एनआरओ देने के काबिल हैं, जो कि मेरी नज़र में प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट रेलिवेंट, हमेशा एनआरओ या एनआरओ जिसकी जिस चीज की भी रिफ्लेक्शन है वो हमेशा किसी और ने दिया है। अगर कोई और देता है, अगर कोई और देता है तो मुझे ये बताएं कि क्या विदाउट द कंसेंट ऑफ द जुडिशरी इज इट पॉसिबल, जो कि मेरी नजर में पॉसिबल नहीं होगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। तो मतलब है कि आप हर इंस्टीट्यूशन को, यानी पूरे का पूरा हर कंप्रोमाइज हर किस्म का हर इंस्टीट्यूशन में होगा। सो ये चीज करने वाले इमरान खान को अगर डर है, डर खौफ है, देखें डर खौफ है तो किस से है? अगर वो खुद कहते हैं कि मैंने नहीं देना, हाँ, तो फिर डर किस खत्म होगी ना, फिर डर किस चीज का, गुंजाइश नहीं रहेगी इस बात। तो अब इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा कि किसका डर, किस से डर है उनको, हाँ, किस वजह से डर है, क्योंकि उनके जहन में भी क्या ख्याल है, किस से डर है? देखें, उनके जहन में भी इस मुल्क का जाहिर है पूरा एक बैकग्राउंड है, पूरी हिस्ट्री उनके सामने है कि क्या कुछ होता रहा है, तो जाहिर है उनका भी। अच्छा सर, वैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि डील हो गई है, एक सिर्फ शर्त ये रखी जा रही है कि वापस नहीं आएंगे जिस पे मियां नवाज शरीफ रिजिस्ट करें, ऐसी कोई खबर आप तक पहुंची है? नहीं, मेरी नजर में अभी तक ये तमाम स्पेकुलेशंस हैं, तमाम किस्म की स्पेकुलेशंस हैं। अदरवाइज फर्ज करें कि पीएमएलएन या नवाज शरीफ क्या डील चाहेंगे, उनके साथ तो जो भी कुछ हुआ है, यानी उनकी कन्विक्शन हो गई, वो पॉलिटिक्स से ऑलरेडी वो आउट है, इस वक्त पॉलिटिक्स में वापस वो नहीं आ सकते। सभी इब्राहिम साहब, गवर्नमेंट की बेचैनी की एनआरओ के हवाले से आपको क्या इसकी वजूहात, क्या इसके मुहरिकात हो सकते हैं? आप देखें, नैब जो है वो एहतसाब कर रही है, सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर कर रही है, भाई पे कौन है जो डील दे सकता है जिसकी वजह, जिस खदशात का इजहार पीएम कर रहे हैं? देखिए, तीन चार चीजें हुई हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप गई शहबाज शरीफ साहब को, उसके बाद कभी पाकिस्तान की तारीख में आज तक जिस वक्त कोई बंदा फिजिकल रिमांड में हो उसका प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं किया गया, वो प्रोडक्शन ऑर्डर भी हुए और ये एक बहुत बड़ी ये रिलीफ थी शरीफ खानदान को। उसके बाद फिर जिस तरह से चीजें चलना शुरू हुई, एक माहौल अब ये आया कि जो नवाज शरीफ साहब के वकील हैं उन्होंने जाके हाईकोर्ट में ये कहा कि सिर्फ एक बुनियाद पर हम चाहते हैं जमानत, और वो है कि एक्सट्रीम हार्डशिप, उनकी तबीयत बड़ी खराब है और उन्होंने बाहर जाना है। फिर इसके बीच में फयाजुल हसन चौहान साहब ने और कुछ लोगों ने इस खबर को लीक किया कि नून लीग नवाज शरीफ साहब का इलाज लंदन में चाहती है। ये वो सारा इसका बैकग्राउंड है जिस पर ये स्पेकुलेशन शुरू हुई, अपने लोग कह रहे हैं और जो उनके अब क्या वो जाना चाहते हैं। अच्छा, अब एक चीज जरा समझिए, एक तो एनआरओ जो माजी में एनआरओ इसलिए हो गया था कि परवेज मुशर्रफ साहब आर्मी के भी सरबराह थे, चीफ एग्जीक्यूटिव थे, मुल्क में कानून, उनकी जबान, उनकी आवाज कानून थी। अभी जैसे अंसार अबासी साहब ने कहा, पाकिस्तान में आईन है, अदालतें हैं, किसी एक आदमी के बस में नहीं है कि वो ये सब कुछ कर सके। लेकिन एक सिनेरियो आपको खींचता हूँ, जमानत हो जाती है नवाज शरीफ साहब की, कहा जा रहा है जी वीक केस है, वीक केस है, अदालत है, ठीक है, बिल्कुल वीक केस की वजह से जमानत हो गई। उसके बाद अगर काबीना, उसकी जो कमेटी है, वो ईसीएल से उनका नाम निकाल देती है, क्योंकि हमाद अजहर साहब कह चुके हैं और बहुत सारे वजीर कह चुके हैं कि अगर मुस्तरद कर दी है, वो दरखास्त दी थी मियां नवाज शरीफ ने, अभी जब फैसला हो जाएगा, अभी जब एक्सट्रीम हार्डशिप की बुनियाद पर अदालत फैसला करती है, तो फिर अगर वो इलाज के लिए बाहर जाते हैं तो मुझे नहीं पता आप इसको एनआरओ कहेंगी, इसको कहेंगी कि चीजें कोइंसाइड कर गई हैं, क्योंकि ये बात तो आप जहन में रख लें, ये जो इमरान खान साहब ने भी बात कही है, ना भी वो करते तो किसी के बस में ये नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को वापस कर दे। प्रॉब्लम ये है, कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है, चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान खान खुद है, तो फिर इस इशू को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा? आप देखें, उन्होंने ऐलान करके खत्म कर दिया, नहीं देंगे, नहीं नहीं नहीं, आप इसको जिसको
आप ये आपकी नरेशन है कि इमरान साहब घबरा गए हैं, पता नहीं किसको सुना रहे हैं। बार-बार क्यों है, बात नहीं बार-बार नहीं, उन्होंने आके इस इंप्रेशन को डिस्पेल किया। उन्होंने तो क्लियर कट ये कहा कि कोई एनआरओ नहीं सुन ले, गद्दारी होगी। इसका मतलब है कि वो अपने आप को भी ये कह रहे हैं, हर आदमी को ये कह रहे हैं। बेसिकली उन्होंने जो वर्ड गद्दारी कहा वो इसलिए कहा है कि ये आउट ऑफ क्वेश्चन है, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ये उनका खौफ नहीं है, बाकी जिस तरह मर्जी कोई उसको नरेट कर दे। ही हैज सेड कैटेगोरिकली कि नो एनआरओ, इसलिए कि जो कोई ये करेगा ये गद्दारी होगी, वो किसी को नहीं सुना रहा है। ही इज टेलिंग टू द दो स्पेकुलेशन कि जिसमें ये चीज एक दफा बता दें, समझ आ जाएगा। आप एक बात कहेंगे हमें समझ आ जाएगी, अब रो हर 10 मिनट के बाद आप वही बात कहेंगे, वही बात कहेंगे, तो मैं इसे क्या समझूं कि फिर आप पब्लिक को कंफ्यूज करने के लिए सोचे। हर 10 मिनट के बाद ये बात हो रही है ना, हर 10 मिनट के बाद मीडिया ये बात कर रहा है, जैसे आप प्रोग्राम कर रही हैं, मैं करूंगा। तो अंसार नहीं, नहीं नहीं, हम कोई मजबूर नहीं है। ऑपोजिशन बात बात कह रही है, ऑपोजिशन कह रही है कि भाई बताइए हम किससे एनआरओ मांग रहे हैं। इसे पॉलिटिकल चस्का कहा जाता है, ये कोई सहाफती चस्का हम ले रहे हैं। हमें गर्म सामान चाहिए और हम इशू को बनाते हैं और उसको इशू दिया जाता है तो फिर हम उसको डिस्कस करते हैं, अगर नहीं भी दिया जाता तो हम बना लेते हैं। वैसे मेरी इन्फॉर्मेशन ये है, एक एंकर पर्सन को जिन्होंने मुझे खुद बताया है, प्राइम मिनिस्टर ने उनको ये कहा है, वो डरे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, बस अच्छा। इतना मैं आपको बताऊं, वो डरे हुए हैं। ये एंकर ने आपको बताया है, जिनको प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि मैं डरा हुआ हूं, मैं यही कह रहा हूं, उनको डर है कि एनआरओ हो जाएगा। ओके ठीक, और ये नहीं बताया कि किस कौन देगा, किससे होगा, बस ये वो आप भी नहीं बताएंगे। ये मुझे तो पता ही नहीं है मेरे बाद साहब। सर आपको ये जो हुकूमती एंजाइटी है इसके पीछे आपको क्या चीज नजर आ रही है, और जरा कानूनी लिहाज से बताइएगा कि एनआरओ की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, चूंकि मियां साहब जेल में और हाईकोर्ट के लेवल पे केस चल रहा है। देखिए अंसार अब्बासी साहब ने एक बात की कि जी आई के इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो डरे हुए हैं। वो डरे हुए किस चीज़ से हैं? वो डरे इस चीज़ से हैं कि जब पहले केस आया एवन फील्ड का, उसमें मियां साहब को और उनकी बेटी को जमानत दे दी गई। जो डर है उनको या लोगों को वो यही है कि जो ओनली पॉसिबिलिटी नजर आती है कि अदालत से अगर जमानत हो जाती है, ठीक है, और अदालत से जमानत होने के बाद वो अगर मुल्क से बाहर चले जाते हैं, जो कि टेक्निकली एक बहुत मुश्किल काम है, वो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें इशू ये है कि अगर आप मुल्क से बाहर चले जाएंगे और उसके बाद वापस नहीं आते तो आपकी जो अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ी हुई हैं वो एकदम खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जो शख्स एब्सकॉन्डर हो उसको अपील का राइट नहीं होता। अगर वो अपीलें उड़ गई तो ये परपेचुअली हमेशा के लिए वो फैसला अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, और वो बाद में इनकी लीगल इंप्लीकेशंस इतनी ज्यादा है कि ये कोई आसान काम नहीं कि कोई इस किस्म का। ये कुछ रूमर्स हैं कि यही शर्त रखी गई है जो कल गबोल साहब हमारे प्रोग्राम में बता रहे थे कि वापस नहीं आना, तो मियां साहब इसी पे वो कह रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं मैं वापस आऊंगा। अब यही वो बात है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लेके आ गया कि वो अगर मुल्क से बाहर चले गए और वापस ना आए तो ये अपीलें खत्म, एवन फील्ड खत्म, मरियम भी फिर कन्विक्ट होगी अगर वो वापस नहीं आती, ठीक है। जब अपील खत्म होगी वो सस्पेंशन उसके साथ साथ उड़ जाएगी। अब दूसरी बात जो इन्होंने की प्ली बार्गेन, वो तो एनआरओ में आता नहीं है। खान साहब जो कह रहे हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, वो सिर्फ एक ही एनआरओ दे सकते हैं, वो एनआरओ है कि जो आप पहला भी एनआरओ देखें वो एक ऑर्डिनेंस की सूरत में आया था, एक स्टैट्यूट की सूरत में आया था, और अगर पार्लियामेंट कोई ऐसी कानून साजी करती है वो नामुमकिन है। और तीसरी चीज जो खान साहब एनआरओ दे सकते हैं या पीटीआई, वो ये है कि सदर मम्लिकत के पास अब भी इख्तियार हासिल है कि वो इनकी सेंटेंस को माफ कर सकते एक हैं। एक और बात बता दें कि ये जो केस है, अब जाहिर है हाई कोर्ट ने ही फैसला करना है, मेडिकल ग्राउंड पे वो जमानत देती है नहीं देती है कोर्ट ने फैसला करना है, लेकिन क्या ये जो मेडिकल रिकमेंडेशंस हैं इनकी बहुत ज्यादा अहमियत होगी, या जो नैब का जवाब होगा वो भी मैटर करेगा? याद है लास्ट टाइम वो सवाल किया तो कहा गूगल पे चेक कर ले, मशवरा दिया, तो फिर रिजल्ट सामने है आपके। ये दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी, क्योंकि जो सबसे पहली बात आएगी कि कौन सा बोर्ड है, किस बोर्ड की वो रिपोर्ट है, नैब का भी रोल होगा फिर जी, उसके तर्ज़-ए-अमल को एनआरओ समझे। बिल्कुल, नैब अगर वहां दोबारा खड़े होकर ये कहती है कि जी कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं या हमें कोई इतना इख्तलाफ नहीं, क्योंकि कोर्ट ने इन दो फ्रीकैन को सुनना है। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कोर्ट अगर इस नतीजे पे आती है कि इन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्या कोर्ट ये भी कह देगी कि ये ट्रीटमेंट पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है? और क्या कोर्ट ये भी कह देगी कि जो कन्विक्ट है उसको जो एटमॉस्फेयर चाहिए, उसको जो डॉक्टर चाहिए, वो अपनी मर्जी का आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है। ओके ठीक, जैन साहब हमने मियां साहब के ऊपर तो बात कर ली, अब जरा जरदारी साहब के ऊपर अगर बात की जाए तो उन्होंने कल कहा कि नया बांग्लादेश नहीं बनने देंगे और हम लड़ेंगे। उनके इस बयान से क्या आपको, बयान का क्या कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं वो? मुझे लगता है कि वो सठिया गए। ये कौन सी बात है कि हम नया बांग्लादेश नहीं बनने देंगे? किस बात पे बांग्लादेश नहीं बनने देंगे?
वसाइल की जंग, वो कह रहे हैं 18वीं तरमीम पे डाका डालने की कोशिश है। तरमीम कौन डाकू है जो डाका डाल रहा है? अपने वसाइल की बात कर रहे हैं। हाँ, वो अपने वसाइल पे डाका नहीं डालने देंगे। ये ठीक कहा समी इब्राहिम ने। देखिए, क्या कोई ऐसा रेजोल्यूशन या कोई ऐसा बिल टेबल हुआ है नेशनल असेंबली में जिसमें बात तक ये की गई हो कि ये तब्दीलियां गवर्नमेंट का तो इरादा ही नहीं है, वो नहीं कर सकते। जब वो उनका इरादा ही नहीं है, इदारे को तो 18वीं तरमीम से मसला नहीं है जरदारी साहब के मुताबिक, कह रहे हैं डाका डाल रहे हैं। देखिए प्लीज, मुझे अदारे की समझ नहीं आती कि अदारा इज नॉट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, दे आर नॉट सिटिंग, दे डू नॉट प्रपोज, सबको पता है, दे डू नॉट प्रपोज अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने जब कभी किया तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ रख दिया और आके बैठ गए, लेकिन अमेंडमेंट करवाने के लिए वो कभी नेशनल असेंबली में नहीं गए। तो अदारा न कोई अमेंडमेंट प्रपोज कर रहा है, न सिटिंग गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है, न उनके पास 2/3 मेजोरिटी है। ये सिंध कार्ड अगर पुराना हो गया तो अब 18th अमेंडमेंट कार्ड वो लेके आना चाहते हैं। अपने स्पीचेस में वो इस्लामाबाद में बैठे गूंगे और बहरे लोगों का जिक्र करते हैं, तो ये आपके ख्याल में ये किससे मुखातिब होते हैं सर? और क्या उन लोगों को समझ नहीं आ रही, उन तक पहुंच नहीं रही, या वो आप इनको पूछ ही नहीं रहे? देखिए जनरल साहब, जनरल आवान साहब को बेसिकली जो मैसेज क्या क्लियर कट जो बात करते हैं जरदारी साहब, उनका सारी का सारी बात जनरल आवान साहब के लिए होती है, अगर ये समझे तो। वो इनको खिताब कर रहे होते हैं और जो सिंध कार्ड इनको डराने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी कि इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। और वो जब भी इस तरह का केस होता है तो वो लड़ाई जानते हैं कि किस तरह से लड़के तो किसको, इनको बैकफुट पे, उनको पता है ऑप्शन ही कोई नहीं है। ये तो मैं कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जहां तक 18th अमेंडमेंट की बात है ना, तो मेरी जाती राय में देखो 104 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हैं 18th अमेंडमेंट में। मेरी जाती जो सख्त रिजर्वेशन है ना, दैट इज रिगार्डिंग द डेवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन का जो है सेक्टर है ना सर। लेकिन पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 18 अमेंडमेंट जो है इसके बदले हमसे कहा जा रहा है कि हम आपके जो नैप के केसेस है ना उनमें आपको रिलीफ दे देंगे। आपको ऐसी कोई मुनज्जम कोशिश होती हुई नजर आ रही है? मुझे नहीं पता। देखें, वो अगर पहले ये सब कुछ होता रहा, देखें सब कुछ दिया जाता रहा तरमीम के खिलाफ, मैं तरमीम की बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि माजी में एनआरओ भी तो दिया ना, सब कुछ दे दिया गया और जिसमें किस किस्म के केसेस थे सब कुछ, वो उस अपनी एक हिस्ट्री जो है ना उसके उसको रिमाइंड करवा रहे हैं कि जी। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर इस तरह की बात एनआरओ देने वाले जिनकी मैं बात हम पहले भी कर रहे थे, सर आप एनआरओ बात करते हैं, इशारा उनकी तरफ करते हैं। नहीं, मैं जनरल साहब की बात कर रहा हूँ। जनरल साहब ने देखा, आप उन्हीं को कह रहे हैं। मैं बताऊं, जनरल साहब को आपने टोक दिया शुरू में, वो इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे कि देखें कि क्या क्या प्रोविंस हैं, जिन प्रोविंस को अवेल करके किसी के लिए क्या रास्ते हैं। आपने उस चीज को टोक दिया, गलती होगी। पीपल्स पार्टी समी इब्राहिम साहब और आसिफ अली जरदारी की सियासत को इस वक्त आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? क्या वाकई ये कोई सूबाई खुद मुख्तारी का मसला है या ये प्ले कर रहे हैं? जो केसेस बने कह रहे हैं वो भी सिंध के ऊपर जो है ना वो साजिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो प्ले अब यही कर रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, वो सुना भी फौज को रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को रहे हैं। और नहीं, मैंने फौज का ना, मैंने जनरल साहब अवान साहब रिटायर्ड जनरल अवान साहब, अंसार अब्बासी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी और आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप कहें कि हाँ, जो मैसेज है वो उसके लिए, मेरे में हिम्मत की क्या बात है, भुगत नहीं सकते। नहीं, मेरे में हिम्मत नहीं है। बात यही है कि वो किसको डरा रहे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट को डरा रहे हैं। सिंध कार्ड कह रहे हैं कि हम सिंध कार्ड प्ले करेंगे, लेकिन सिंध कार्ड वो प्ले कर नहीं सकेंगे। और जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, वो मुझे ये लगता है कि अगले 2-3 हफ्तों में अगर वो भी कोई सही अलीम खान साहब की तरह जवाब ना दे सके तो वो भी नैब की हिरासत में होगी। बिल्कुल फंसेंगे। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, अभी अंसार अब्बासी साहब ने एक बड़े फैसले का जिक्र किया, काजी फायजीसा साहब ने वो दिया फैसला, बिल्कुल ठीक, उसमें बहुत कुछ हुआ है, लेकिन एक इंसिडेंटली चीज मुझे समझ में आ रही है। जो इमरान खान साहब का फियर है ना, उन्होंने एक हुदैबिया का जिक्र किया। अब हुदैबिया का जो केस खत्म हुआ सुप्रीम कोर्ट में, वो भी जो बेंच था उसमें मुशीर आलम साहब और काजी फायजी साहब थे, और उसके बाद ये जो आई फौज की बैशिंग, सारी इदारों की बैशिंग और सारी सूरत हाल का, जज साहब आने कानून के मुताबिक ही फैसला उन्होंने लिखा होगा, उसमें भी हमें एक चीज वो मुश्तरक नजर आती है। तो इस वक्त हमें ये मानना पड़ेगा कि मुल्क में एक क्लियर डिवीजन है, ग्रुपिंग है, तो अब कौन सा ग्रुप हावी होता है आगे जाके, ये भी आने वाले वक्तों में। आपको क्या लगता है कौन सा हावी हो सकता है आगे जाके? देखिए, मैंने तो पहले कहा कि अगर हाई कोर्ट से जमानत हो जाती है, हाँ, और उसके बाद ईसीएल में बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, शाह महमूद कुरैशी तरह के, जो कहते हैं कि मिलकर चलना है, सबको साथ लेके चलना है, तो उसमें अगर ईसीएल से नाम निकल गया तो मियां साहब बाहर चले जाएंगे, मजबूरी थी हमारी ना, तो बस फिर अगर अब ये मुझे लगता है कि ये वो चीजें हैं जिनका फैसला होगा और इमरान खान साहब के लिए ये टेस्ट है। ठीक है, अच्छा, किसने वैसे एक और बात मुझे बताएं, जब मियां साहब और मरियम लंदन आने से पहले किसने उनको कहा था कि आप रुक जाएं वहीं पे,
अभी आप ना आए तो हम आपके सारे मसले हल करवा देंगे। उन्होंने कहा नहीं हम फिर भी आएंगे। मुझे बताएं किसने कहा था उनको? तो ये तो सवाल ये कि अब डील कौन दे रहा है, तो ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ही नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, और आप भी नहीं देंगे। इसलिए नहीं, हम कैसे दे सकते हैं? ओपिनियन तो बता सकते हैं। नहीं नहीं, ओपिनियन देके तो हमने यहाँ पे तो हर दूसरे बंदे की नौकरी जा रही है। अच्छा, यहाँ तो कोई नहीं करता, सब करते हैं, कोई नहीं करता। सर हम जो आप फैज ईसा साहब के केस को डिस्कस करें पूरा, आप बताएं कि वहाँ पे किन किन लोगों को, ये बातें नहीं बता रहे उन पे बात कर रहे हैं। ये ठीक होगी, आप उसमें भी ये कहेंगे मैं कुछ बता नहीं सकता। मसूद असलम की गिरफ्तारी ये कितना डेंट दे सकती है आसिफ अली जदाई साहब को, या आपको अब ये इस शिकंजे से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये जो इस तरह की आजकल बातें की जा रही है क्या उसी का दबाव है इन पे? देखिए, यहाँ बड़ी बात हो रही है डील की। मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा आसिफ अली जरदारी साहब खुद, जिस जो पीपल्स पार्टी कह रही है डील होगी है, वो कोशिशें कर रही है कि डील हो किसी भी तरीके से। और ये जो 18th अमेंडमेंट है, ये जो दूसरी बातें हैं, ये जो NFC अवार्ड है, ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये नहीं लेके जा रहे, इनके पैसों के जो मसले हैं, तमाम चीजें हैं, ये उसी तरफ डील की तरफ जाना चाह रहे हैं कि जी ये जो केसेस आ रहे हैं, और जैसे जैसे ये अभी साहब पकड़े गए तो प्रेशर कल की तकरीर में आप देख लें कि और ज्यादा उन्होंने बढ़ा दिया। अब ये शख्स वो है कि जब इसको अनवर मजीद को पकड़ा गया तो अनवर मजीद से पूछा गया कि ये केस तमाम जो रोटेट करता है वो है मनी की ट्रेल, अकाउंट्स की ओपनिंग, अकाउंट्स में डिपॉजिट, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट की लेरिंग, तीसरे चौथे में जाना। तो अनवर मजीद साहब ने जवाब दिया कि जी मेरा जो तमाम ओमनी ग्रुप के जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस थी, वो हमारा जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था ये मसूद साहब, जिनको हार्ट अटैक भी हो गया कल, वो ये करते थे। अब मसूद साहब को फिर इंटरपोल के जरिए जब सऊदी अरब से अरेस्ट, एतराफी बयान दे चुके हैं वो, मरकजी गवाह हैं, हाँ, तो अब वो बताएंगे कि ये इसमें जो ट्रांजेक्शन्स थी ओमनी ग्रुप की किसकी थी। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आएगी कि क्या जो ओमनी ग्रुप की शुगर मिल्स है वो ये बताएंगे कि जी इसकी जो प्रॉफिट था, सुनिएगा, जैसे अब हमने देखा ना वो जद्दा वाली मिल का जो प्रॉफिट था वो लैंड करता है आके मियां साहब के अकाउंट में, ठीक है, और अदालत ने कह दिया कि जो ये बेनिफिशियरी यही है, तो उसमें भी देखा जाएगा कि इन शुगर मिल्स का जो प्रॉफिट है वो कहाँ पे लैंड हो रहा है, किधर जाके पार्क हो रहा है, और उसके बाद वो जो 1 अरब बैरिया का आता है पैसा, और उसके बाद वो उन फेक अकाउंट से दोबारा उनके जो चेक्स आते हैं वो उनके जरदारी ग्रुप मालिक कौन है, साबित हो जाएगी चीजें से। लेकिन एक बात, मियां साहब का जो केस था उसको देखें, सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइंस भी थी, वो उसको मॉनिटर भी कर रही थी, लेकिन जरदारी साहब के केस में ऐसा कोई बार नहीं है। तो ये आपको केस कितने अरसे में कंक्लूड होता हुआ नजर आ रहा है, तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी? देखिए, इसमें बात अगेन वही है कि मियां साहब के केस में भी एक टाइम फ्रेम दिया गया था, इसमें भी 2 माह का टाइम फ्रेम दिया गया है। मियां साहब के केस में भी जो मेजोरिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस थी वो GIT ने कर ली थी, यहाँ भी 10 वॉल्यूम्स उसी तरीके से आ चुके हैं। मियां साहब के केस में भी एक मॉनिटरिंग जज थे, यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, रिव्यू में भले से चले जाएं, टाइम नहीं मिलेगा, नहीं उसमें भी लग सकता है, एक सेकंड दीजिएगा, ऐसा नहीं है, वैसे जो कह रहे हैं एक सेकंड फिर क्लियर कीजिएगा। और उसके बाद मियां अब डिपेंड करेगा कि नैब की परफॉर्मेंस क्या है, इट ऑल डिपेंड्स कि नैब किस तरीके से परफॉर्म करता है, क्या उस वक्त जिस तरीके से कमर जमान चौधरी ने परफॉर्म किया था क्या अब भी नैब की वही परफॉर्मेंस है, या उससे बेहतर। मैं ये पूछना चाह रही हूं कि रिव्यू पिटीशन के फैसले आने तक क्या नैब की कार्रवाइयों को सुप्रीम कोर्ट उस पे स्टे दे सकती है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, आज तक ऐसे नहीं हुआ। अच्छा, वो साथ-साथ चलती रही आज तक ऐसा? अभी रिव्यू की जो पिटीशन लगी थी मलिक बैरिया की, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमें स्टे दे दिया जाए, ये जो नैब कुछ कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर। अच्छा, और जो बिलावल भुट्टो ने पिटीशन में अपनी रिव्यू पिटीशन में सवाल उठाए हैं उसका क्या स्कोप है? उन्होंने कहा ना शॉर्ट ऑर्डर में जो कुछ था, शॉर्ट ऑर्डर में उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा था कि जी इन्वेस्टिगेशन से इनकी हद तक डिलीट कर दिया जाए, लेकिन मेरा ये 30 साल का तजुर्बा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके पास ये अथॉरिटी ही नहीं कि वो जो इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी चीज आ गई है किसी शख्स के बारे में और वो ये कह दे कि इसको डिलीट करे, वो इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करते। और ये तो फिर जमानी ऑर्डर की लीगल वैल्यू क्या है? देखिए, कोर्ट में जो क्वारीज होती हैं, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन होती है, और जो ऑर्डर लिखा गया है इजाज अफजल साहब ने लिखा है, और ये बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब ने कोई ऐसी बात की थी, मुमकिन है कोई ऐसी बात एट द स्पर ऑफ द मोमेंट या किसी सवाल जवाब में हुई हो, अदरवाइज जजमेंट में ऐसा होना ही नहीं। उसमें मैं मौजूद था सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ये कहा कि वो जो FIA ने जो इंक्वायरी की है, नैब उसको इन्फ्लुएंस ना ले, अपने तौर पर इंडिपेंडेंटली वो तहकीक कर ले। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल ये ना ना ऐसा नहीं, उन्होंने कहा था कि जो JIT ने जो इनका नाम लिया है ना, नैब इस हवाले से अगर चाहे तो इंडिपेंडेंटली वो तहकीक अपनी कर ले। दिस इज व्हाट ही सेड। ओके, ठीक, ब्रेक लेते हैं, देखते रहेगा न्यूज़ बीट, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सियासी गिरफ्तारियों और नैब के ऊपर।
अच्छा जैन साहब, ये जो सियासी गिरफ्तारियां इस वक्त हो रही हैं, अलीम खान की हुई, उसके बाद ज्यादातर अपोजिशन के और कुछ हुकूमत के लोग भी हैं जो काफी परेशान हैं, रात की नींदें उड़ी हुई हैं, ये आपको वक्त ही उबाल लगता है नैब का, या फिर ये टर्बो इंजन लग गया है कि मुकम्मल सफाई तक काम नहीं रुकेगा, कोई मसलियत आड़े नहीं आएगी? मुझे लगता है कि अदारों में रियलाइजेशन है कि एहतसाब हो ही जाना चाहिए और बेलाग होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, और उससे कोई शख्स या कोई जमात एहतसाब से बालातर नहीं है। मैं तो बड़ा पुरउम्मीद हूँ कि FIA ने काम करना शुरू कर दिया है। अदालतें जो बहुत ज्यादा डिले किया करती थी, अब वो बड़े टाइमली फैसले आने शुरू हो गए हैं, और जस्टिस खोसा साहब भी, ही इज डिटरमिन्ड कि मैंने ये बैकलॉग भी क्लियर करना है। नैब दो वजीरों को गिरफ्तार कर चुकी है, और मेरे ख्याल में PTI के तो चार बंदे जा चुके हैं, फारिग हो चुके हैं। 99 में भी ऐसा हुआ था ना, जो लोग गिरफ्तार हुए थे फिर उन्होंने वफादारियां बदली थी, उसके बाद फिर वो ओहदों पर और उनको वजारतें दी गई थी। वो परवेज मुशर्रफ साहब की नैब थी ना, अब मुख्तलिफ होगा रिजल्ट। अब परवेज मुशर्रफ साहब की नैब नहीं है भाई, उस वक्त नैब के ऑब्जेक्टिव पे बात कर रहे हैं कि उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इस दफा वो पोलिटिकली इस्तेमाल तो नहीं होंगे? ये अपोजिशन के एतराजात है, वो अभी भी पोलिटिकल इंजीनियरिंग। अगर पोलिटिकल इंजीनियरिंग होती तो क्या बाबर आवान और जहांगीर तरीन और अभी अलीम खान जो उनके किंग पिंस थे अपनी पार्टी के, अगर उन्हीं को फारिग करवाना था तो फिर ये क्या पॉलिटिकल मैचिनेशन है या क्या पॉलिटिकल यूज है उस अदारे का कि अपनी, देखें गवर्नमेंट भी कह रही है, देखिए व्यू हर बंदे को इख्तियार है कि वो अपनी एक राय कायम करे। मैं समझता हूं कि एहतसाब हो रहा है और हुकूमत वक्त का भी हो रहा है। अच्छा। एक दूसरा अपोनेंट पॉलिटिकल कह सकते हैं ये बैलेंसिंग एक्ट है और कल हमारी बारी चूंकि आने वाली है तो आज उधर भी एक बंदा पकड़ लिया है, तो राय पे तो कोई कैद नहीं है ना, कोई पाबंदी नहीं है। कितनी एक बड़ी बेसलेस राय भी कायम की जा सकती है, एक बड़ी जेन्युइन। और आप क्या राय कायम करेंगे इसके ऊपर, क्या ये जो गेर लगाए नैब की कार्रवाइयों को आप समझते हैं कि एहतसाब अवल में शफाफियत आ गई, अभी भी नियत पे शक है आपको? देखें, मेरी बात के ऊपर आप बिलीव ना करें, मैं तो हमेशा कहता हूं कि मुझे नैब की नियत पे हमेशा शक रहा है और उसका पूरा एक हिस्ट्री है। हुकूमती गिरफ्तारी के बाद अलीम खान से जब ये पूछा जाए कि 2003 और 2004 में आपके वालिद साहब ने इतने पैसे जो मरहूम है वो कहाँ से लेके आए, तो ये बहुत ज्यादती की बात है। उनसे अगर ये पूछा जाए कि उनकी जो टैक्स रिटर्न्स में सब कुछ रिफ्लेक्टेड है कि ये चार फ्लैट जो आपने लंदन में या व्हाटएवर जहाँ भी आपने बनाए हैं, ये कैसे बनाए हैं, जबकि वो सब कुछ रिफ्लेक्टेड है, अगर क्राइम का कहीं पे जिक्र नहीं है, क्राइम क्या कोई सबूत अगर नहीं है नैब के पास, तो नैब ने क्यों पकड़ा? तो किसने गिरफ्तार किया? टैक्सेशन का देखें, मैं आपको बताऊँ, मुझे नहीं पता। आपने कहा ना कि मैं बदनीयती वाली बात नैब की, मैं एक समझता हूँ, तीन चार दिन पहले ड्यूनल बेंच लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला दिया साफ पानी के ऊपर, जो आप वो पढ़ें उस फैसले को, उन्होंने कहा है कि ये फैसला, ये केस बदनीयती की बुनियाद के ऊपर बनाया गया। उन्होंने ये कहा कि 1.4 बिलियन का ये प्रोजेक्ट, सबसे लोएस्ट बिडर ने 1.4 बिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट उसको अवार्ड हुआ, इन्होंने नेगोशिएट करके उसको 998 मिलियन 40-50 करोड़ कम में दिया उसको। उन्होंने कहा पानी भी फराहम हो रहा है, क्वालिटी भी पूरी थी, तो कहां करप्शन हुई है? ये मैंने नहीं कहा, ये ट्विनल बेंच ऑफ द, उन्होंने इसके ऊपर सो बदनीयती और कमरों मतलब को 40 लोग हुकूमत और अपोजिशन के हैं जिनको कहा जा रहा है कि गिरफ्तारियां, मैं आपको बताऊं ये खुदा का वास्ता है, देखें अलीम खान को गिरफ्तार करें, शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करें, जिसको इसमें हमारा एक शुगर लग जाता है, हमें अच्छा लगता है, ये हमें अच्छा लगता है, और करप्शन करने देखें, नहीं, गलत बात है। इल्जामात की, झूठे इल्जामात की बुनियाद के ऊपर आप लोगों को पकड़ते हैं, उनको आप फिर कोर्सिव आप मेयर्स के जरिए उनको आप कहते हैं कि कोई कुछ ना कुछ को उगल दे, कोई आपके पास कोई एविडेंस नहीं होता। आप ही बैलेंसिंग एक्ट कह रहे हैं फिर उसको? बैलेंसिंग, मैं बैलेंसिंग एक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ये इंतहाई ज्यादती की बात है, इंतहाई, ये टैक्सेशन का मैटर है, ये टैक्सेशन का मैटर था अलीम का भी, अगर कोई मसला था तो टैक्सेशन वालों को उस मसले को रिजोल्व करना चाहिए था, अदरवाइज अगर क्राइम होता तो इनको इंटरवीन करना चाहिए। अंसार अवासी साहब बड़े तजुर्बाकार और सीनियर आदमी है, मैं इनकी बात का जवाब नहीं देता, लेकिन मैं इस तरह से चीजें नहीं, मैं नहीं इत्तफाक करता टोटली, मैं ये कहता हूं कि ये जिस टेक्निकल चीजों की ये बात कर रहे हैं, अब अगर ये सारे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पिछले 10-10 साल से इनकी अपने अपने सूबों में हुकूमतें हैं, पंजाब में जाके देखें, मेरा ताल्लुक जंग से है, शोरकोट से है, वहां पे जानवर भी उसी जगह से पानी पीते हैं जहां से इंसान पानी पीते हैं,
और थर में जाके देख ले आज तक मौत नहीं हुई। ये अगर ये इतने ईमानदार लोग हैं सारे के सारे और ये इतने इन्होंने शफाफ तरीके से सारे का सारा काम किया है तो पाकिस्तान के गरीब आवाम सारा माल खा गए, इसका मतलब है फिर लुटेरे तो वो हैं। ये अरबों रुपए का जो डेवलपमेंट बजट है इन्होंने अपनी मर्जी से पैरेलल इदारे बनाए, वो जो साफ पानी की कंपनियां और दूसरी कंपनियां जो इदारे थे, बजाय इसके कि उनको इस्तेमाल करते अपनी कंपनियां बनाई उन्हीं इदारों के मन पसंदीदा जूनियर ऑफिसर्स को लाके 10-10, 15-15 लाख रुपए तनख्वाहें अपने फ्रंटमैन को ठेके दिए, पूरे का पूरा सिस्टम होस्टेज बना के माल को लूटा, बेरहमी बेदर्दी से लूटा। अब उनको पकड़ने के लिए ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कातिल आए या कोई दहशतगर्द आए वो बंदे को गोली मार दे और उससे निपटने के लिए हम बिल्कुल एक मामूली जो भी इख्तियार दिया हुआ है कानून में उसके लिए हम ये समझें कि जी वो राइट उसको मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली ये सारे के सारे ये माफ्यूजी जो है ये जो एक ही खानदान से जिनका ताल्लुक है लेकिन मुख्तलिफ जमातों में है, ब्यूरोक्रेसी में भी है, हर तरफ है, लूट के खा गया। अगर इनको हटाने के लिए अगर कोई और कानून इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसमें मेरा ख्याल है कि दुनिया में ये मिसालें मौजूद हैं। फिर भी बैलेंसिंग एक्ट कह रही हैं। कैसे बैलेंसिंग एक्ट है? कैसे यकीन आ रहा? कैसे यकीन आएगा? बहुत सारे लोग चले गए इमरान खान के साथ अपने आप को बचाने के लिए, अलीम खान साहब भी उन्हीं में से एक थे, लाहौर में किसी से जाके पूछ लें 1 अरब रुपया खर्च किया याद सादिक साहब ने और अलीम खान साहब ने जब मुकाबला हुआ इलेक्शन, कहां से आए वो पैसे? ये इतने साफ सुथरे लोग हैं, इतने ईमानदार लोग हैं, देना अपना मनी ट्रेल मांगते हैं तो देने मनी ट्रेल, वो उसका वो है। जब भी मैं बात करती हूँ नैब की एहतसाब की एक बात और करते हैं, ये कहते हैं कि शिकवा ये है कि क्रॉस द बोर्ड नहीं हो रही, सियासतदानों की गर्दन पतली होती है उनको पकड़ लेते हैं, जो दूसरे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं भाई उन्होंने भी कुछ किया होगा ना, किसने करना है? सियासतदानों ने नहीं, मेरा सवाल आपसे है कि पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई कानून साजी करनी है किसी भी इदारे को अकाउंटेबिलिटी के लिए तो वो किसने करनी है? सियासतदानों ने करनी है ना, हुकूमत करने के लिए आ जाते हैं, 5-5 साल लूटते हैं फिर कोई ये बात हो तो कहते हैं हमें करने नहीं दिया गया। हर काम जिसमें इनका अपना फायदा है वो इन्होंने अपने घर बना लिए, कोठियां बना ली, अरबों रुपए इन्होंने भर लिए, लेकिन अगर फौज की बात करते हैं ना कि उसकी अकाउंटेबिलिटी जनाब हमें पता है तो भाई ये पार्लियामेंट में बिल कर दे पास, इनके पास मेंबर्स, इनके पास वोट है ना, कर दे पास, 18th अमेंडमेंट कर सकते हैं तो ये भी कर सकते थे, जो काम इन्होंने खुद नहीं किया और उसका बहाना बनाते हैं जी सानू मार दिया जाएगा जी हम तो ये नहीं कर सकते। देखिए फौज के खिलाफ नैब में कौन सा केस है या कौन सा ऐसा केस है जो नैब में गया हुआ है? मतलब ये उसके अंदर फिर सारे आ जाए फौज भी और बाकी सब कर दे। मैं फिर कह रहा हूँ पारस किसने रोका लेजिस्लेशन से? एक बात लेजिस्लेशन की है, दूसरी बात यह है कि कौन सा ऐसा ऑफेंस है जो किसी सर्विंग ऑफिसर ने कमिट किया है और वो नैब में ट्राई कर सकते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री लॉ को पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कवर करता है, यह हमारा बाद साहब बताएंगे, और वहां पे सजाएं जेल से लेके सजाए मौत तक की सजा दी जाती है। ठीक, अगले दिन खुर्शीद साहब कह रहे थे पार्लियामेंट। मैं एक सवाल करूंगा सर इनसे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनका अपना है, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिएगा प्लीज जना साहब कि यहाँ पे इल्ज़ामात की बुनियाद के ऊपर सिविल सर्वेंट्स और पॉलिटिशियंस को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार भी किया जाता है। मुझे ये बताइएगा कि एक हमने प्रेस रिलीज के जरिए ISPR की प्रेस रिलीज हमें पता लगा था कि FC के कुछ लोगों ने करप्शन किया है और उनकी जाहिर उनको निकाल दिया गया, उनमें से कितने लोगों को जेल में डाला गया जबकि फौज ने उनसे पैसा रिकवर भी किया, कितने लोगों को जेल में डाला गया? एक सेट ऑफ रूल सबके लिए होना चाहिए कि नहीं? यहाँ पे इल्जामात के ऊपर जेल, कन्विक्शन, और किसी एक सियासतदान का नाम मुझे बता दें जिसकी आज तक नैब ने कन्विक्शन की हो, फाइनलिटी पहुंची हो, एक सियासतदान का नाम बता दें जी। कौन से सियासतदान को नाहल करके सियासत से निकाला गया है अपनी अदालतों के जरिए और किसका पार्लियामेंट ने एहतसाब किया है, किस सियासतदान का? ये जो बात FC की कर रहे हैं कि इसका हमने भी टेलीविजन पे सुना था और उस वक्त मैं रिटायर्ड था, आई वाज नॉट इन सर्विस, ठीक है, मैंने भी एज ए रिटायर्ड ऑफिसर वो खबर TV पे चलती देखी और उन ऑफिसरों का फौज से जाते हुए भी देखा, बट मैं आपको हल्फन कह रहा हूं कि मुझे कोई इल्म नहीं है कि उन्होंने कोई जुर्म किया, उसके क्या फाइंडिंग्स थी, कितना पैसा जमा कराया, कितना पैसा जमा कराया और अदालत को और किस कानून के तहत डील किया गया? जुर्म के बारे में हमें तो ISPR ने बताया, लेकिन मेरा सिर्फ सवाल ये था कि हुआ क्या, नहीं क्या गिरफ्तार हुए वो, अब वो आज भी जेल में है कि नहीं? मुझे कानून, ये कह रहे हैं कानून सबके लिए बराबर, मैं ये कहता हूँ बस है कानून, देखिए ऐसे बराबर है ना, वो कह रहे हैं। मैं एक यहाँ पे कानून, कभी पिछले दिनों एक ब्रीफिंग थी आखिरी सर्वे एक सेंटेंस, तो मैं भी उस ब्रीफिंग में था, वहां पर वेरी हाईली प्लेस्ड पीपल दे टोल्ड अस के इस वक्त भी एक 3-star और एक 1-star इनकी इस वक्त भी इनका ट्राई हो रहा है और जो इस बात का भी इम्कान है कि उनमें से एक को कैपिटल पनिशमेंट हो जाए।
This is what I was told. फिर तो कहा जा सकता है एक मिनट छोटी सी बात खोल के बोलिए. नहीं, मेरी मालूमात तो नहीं थी वो. सिर्फ ये पूछे कि नेचर ऑफ क्राइम क्या है वो जिसमें ये बात कर रहे हैं. मैं ये मैं एंडोर्स कर रहा हूं. नेचर ऑफ क्राइम यही है जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में जिस तरीके से सब कुछ किया जा रहा है. नहीं नहीं, पार्ट ऑफ दैट. नहीं नहीं, वो करप्शन से रिलेटेड है या और सीरियस एक और चीज है. नहीं, उसमें करप्शन भी शामिल है. This is what they said कि उसमें करप्शन भी है. ठीक, राजा हमारे पास अभी जो सियासी वैसे आपकी खबर है बड़ी, ये मैं आपको बता दूं. सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको. और बहुत जिम्मेदार लोगों ने बताया जो ये बता रहे हैं कि एक थ्री स्टार और एक मैं नहीं था. मैं नहीं था उसमें, 12 लोग और थे. वन स्टार. हाँ जी, मैं नहीं था, 12 लोग भी और थे. ये बहुत बड़ी खबर दी है इन्होंने. ठीक. अच्छा सर, ये जो अभी सियासी गिरफ्तारियां हो रही हैं, कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स लग रहे हैं इसके पीछे, ये उससे किस हद तक आजाद है? और ये आपको लगता है ये सिलसिला इसी तरह से आगे मोमेंटम रहेगा बरकरार नैब का? नैब की अभी यहाँ बात हुई, अब्बासी साहब ने भी कहा कि जी ये जो केसेस हैं ये टैक्सेशन के केसेस हैं. अब यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं. एक हमारे जो सेट ऑफ थॉट है वो ये कह रहे हैं कि किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर को जब पकड़ा जाए उससे ये सवाल एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम कभी ना किया जाए. जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज निकलती हैं उससे पूछा जाए, बताओ जी इस पे टैक्स का कितना इश्यू है. और दुनिया में अब इंग्लैंड में 2018 में एक कानून आया, अनडिक्लेयर्ड वेल्थ ऑर्डर, जो कि पॉलिटिकली एक्सपोज लोगों के खिलाफ है. और उसमें उन्होंने तमाम ऑनर्स डाल दिया कि वो जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है वो बताएगा कि उसने ये एसेट्स कहां से जनरेट किए और कहां से बनाए. इससे पहले 2017 में फाइनेंशियल क्राइम एक्ट आया यूके में, वो भी एग्जैक्टली यही कहा जा रहा है. अब पाकिस्तान में जो तरामीम की बात हो रही है उसमें यही कहा जा रहा है. हमने एक मसौदा पहले भी देखा था कि अगर किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के घर में, एक पटवारी के घर में अगर 3 BMWs खड़ी हैं तो नैब बताएगी कि पटवारी ने किस ट्रांजैक्शन में ये पैसे कमाए हैं. ये जब नैब साबित कर देगी कि जी बताएं वो कौन सी किकबैक है, वो कौन सा ठेका है, तो फिर उसके बाद वो करेगा. फिर एक आ रही अमेंडमेंट कि जनाब अगर किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर, किसी पार्लियामेंटेरियन को अगर नैब ने पूछना है तो पहले पार्लियामेंट में एक कमेटी बनेगी, वो उसको ओके करेगी, वो देखेगी कि केस बनता है या नहीं, फिर अगर उसकी रिकमेंडेशंस हुई तो भेज दिया जाएगा. फिर एक ला रहे हैं कि जी नैब में जो ये रिमांड है ये 14 दिन का होना चाहिए. फिर एक लाना चाह रहे हैं जनाब अरेस्ट है वो जब रेफरेंस हो जाएगा, आप तफ्तीश के लिए किसी को नहीं पकड़ सकते. नैब की फर्क पड़ेगा ये अगर ये हो जाता है तो? देखिए एक टूथलेस टाइगर बन जाएगा नैब. आपने तफ्तीश कैसे करनी है कि आप उसको उंगली नहीं लगा सकते, उसको उठा के नहीं ला सकते. आप सब कुछ साबित कर ले, रेफरेंस डाल दें, फिर कहें कि आप इसको जेल में डाल दो. मजबूत होने चाहिए या इख्तियारात महदूद होने चाहिए, क्या ख्याल है? इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग होनी चाहिए. ये जो होता है ना कि हम जैसे लोग बैठ के तो चस्का लेते हैं कि दूसरे लोगों को जरा रगड़ा दिया जाए और हर बंदा जिसके पास पैसा है वो करप्ट है. टैक्स लॉस के तहत जिनके पास BMWs हैं वो सारी की सारी BMWs जब्त हो सकती हैं और जरिमाने हो सकते हैं अगर एसेट्स डिक्लेयर नहीं है और उनकी आपने जस्टिफिकेशन नहीं दी हुई तो जरिमाने ऐसे कि आपको बिल्कुल बैंकरप्ट किया जा सकता है. जेल भी टैक्स लॉस जेल भी होती है. करप्शन. अच्छा एक मिनट, टैक्स लॉज में जेल भी शामिल है. टैक्स लॉज में जेल, यहाँ पे देखें बिल्कुल, टैक्स की यहाँ पे जो एक चस्का है ना, एक चस्का है कि जी जो सियासतदान है पब्लिक ऑफिस होल्डर, हाँ सिविल सर्वेंट देखे, इवन अलीमा खान के बारे में लोगों ने ये बात कही, मैं कहता हूँ वो भी प्योर टैक्सेशन मैटर था. मत करें इस तरह लोगों के साथ, इस तरह लोगों की लोगों के साथ मत ज्यादती करें. उन्होंने जो चीज डिक्लेयर नहीं की थी, कुछ एमनेस्टी ले ली कानून के तहत, कुछ चीजें जो उन्होंने था उसका जुर्माना दे दिया. अगर क्राइम है, अगर उन्होंने कोई चीज गलत की है तो वो क्राइम लेके आए. ये क्या बात है कि लोगों की आप आके इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनको रखेंगे तो फिर पता रखेंगे, फिर सबको रखेंगे, बता देंगे, फिर सबको रखे ना. देखिए वो फिर वही बात आ रही है, सबको रखे ना. प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सिर्फ सियासतदानों और सिविल सर्वेंट्स को आप रखें, पकड़ पकड़े अंदर करते रहे. देखिए प्राइम मिनिस्टर करते हैं इस बात का. देखो उनकी उनका अपनी एक राय है, उन्होंने हक पहुंचता है. प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का एक प्रिंसिपल फंक्शन जो होता है गवर्नमेंट का वो है कलेक्शन एंड डिसबर्समेंट ऑफ रेवेन्यू. अगर वो खुद ही रेवेन्यू का चोर है तो उसको क्या सजा देनी चाहिए?
मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चोरी करे और व्हाइट कॉलर क्राइम करे और मल्टी लेयर्ड अकाउंट्स खोल के एसेट्स अब्रॉड बनाए और हम कहें जी एवन फील्ड तो प्रूव नहीं हुए कि ये नवाज शरीफ के हैं। देखिए ये तो क्राइम है ना, आप मुझे टैक्स ले रहे हैं। आखिरी सवाल, देखिए वो क्राइम की बात है, सारा जाति बरा की जो सारी प्रॉपर्टी है ये पता किसके नाम है, ये नवाज शरीफ साहब की वालदा के नाम है। उन्होंने तो कोई कारोबार नहीं किया ना, तो किसी ने उनके नाम किया ना। अब अगर ये पूछे तो ये तो और उनके घर की चार दीवारी 95 करोड़ की बन गई, वो तो गवर्नमेंट उन्होंने बनाया कहां से, वो कहते हैं जी पुरानी कहानी पूछ रहे हैं। तो 70 साल से लूट मारी तो पुष्टि अमीर है ना, वो चलता ही आ रहा है बहुत अरसे से। कैसे मजबूत किया जा सकता है नैप कानून को, बताइए। गवर्नमेंट कह रही है मजबूत, नैप कानून मजबूत हैवीली लेजिस्लेटेड कंट्री है पाकिस्तान, क्या करना चाहिए? सिर्फ इन्फोर्समेंट अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। पकड़ना चाहिए इन लोगों को, अक्रॉस द बोर्ड पकड़ना चाहिए, पूछना चाहिए और कार्रवाई जो है उसको ट्रांसपेरेंट अदालतों में कैमरे की इजाजत दें, पूरी कौम इनका ट्रायल देखे, सवाल देखे, जवाब देखे और फैसला कर ले। अलीम खान की एक हुकूमती गिरफ्तारी हुई है ना, ये हुकूमत ने ऑपोजिशन के साथ आवाज में आवाज मिलाना शुरू कर दी है, तरमीम करते हैं, चेंज करें, आप खामोश रहेंगी? अगर अलीम खान की वजह से पीटीआई गवर्नमेंट ये तब्दीलियां ला रही है जो आमिर अब्बास साहब कह रहे हैं, अगर ये ड्राफ्टिंग हो रही है, आप मुझे बताएं कैन ही सर्वाइव, इमरान खान कैन सर्वाइव एज अ पॉलिटिशियन? सर आज नई मुल्क की, मैंने शुरू में भी बताया कि आज उन्होंने की ना इस तरीके, ऐसे लोगों के बारे में कहा शेख रशीद साहब ने कि ये अपने इलाके से काउंसलर भी नहीं बन सकते, ये इमरान खान को आगे खराब कर रहे हैं। नई मुल्क एक उनकी मिसाल है। ऐसा कानून पहले भी बना था जब नवाज शरीफ साहब एक नाहलियत के बावजूद पार्टी के सदारत के लिए इन्होंने सेक्शन 203 में एक रात में अमेंडमेंट कर ली थी। अगर कोई पर्सन स्पेसिफिक कानून बनेंगे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होंगे और वो उड़ाएंगे। तो पार्लियामेंट का काम तो कानून बनाना है, कानून आवाम पर्सन स्पेसिफिक, आवाम के लिए बनाने, अपना माल बचाने के लिए नहीं, पर्सन स्पेसिफिक, नॉट इसलिए कि अभी वो सारे नैबजदा बैठकर बनाएंगे, अगर जो जो सारे नहीं जो जो हैं तो वो क्या बनाएंगे? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप ज्यादा तकल्लुफ ना करें, अक्सरियत उन्हीं लोगों की है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा। भाई साहब लास्ट कमेंट कर दें, और ये जो कह रहे हैं मजबूत करें, तो मजबूत तो एक सब्जेक्टिव वर्ड है ना, मैं आप सबको कहूं तो अलग अलग डेफिनेशन आ जाएगी, आप कहेंगे ऐसे मजबूत करो, ये कहेंगे वैसे मजबूत करो, कैसे मजबूत करें? फिर इस तरह मजबूत कर रहे हैं कि नैब को अबॉलिश कर दें। आप सुन लें ना, सुन लें, नैब को अबॉलिश करें, जो वादा किया था इमरान खान ने, एफआईए को आप डीपोलिटिसाइज करके उसको स्ट्रेंथन करें एज एन इंस्टीट्यूशन, एफबीआर को आप इतना इंडिपेंडेंट करें कि वो प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी बंदा हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कोई जज हो, कोई जनरल हो, उनको नोटिसेस इशू करें कि पूछें कि हमने आपके बारे में ये आपके हमारे आपके रिसोर्सेज आए हैं, ये आपकी एसेट्स हैं, आप जरा एक्सप्लेन करें। और जहां वो मसले का हल नहीं है, नैब ने इसमें बॉलिश, नैब ने पहले दिन से नहीं, क्या इदारे बनाएंगे? रातों रात केपीके का चीफ सेक्रेटरी और आईजी तब्दील कर दिया और एफआईए को इधर। अब्बासी साहब ये ख्वाब है हमारे, जो है ना, ये हमें इन ख्वाबों की ताबीर के लिए कोशिश करनी चाहिए। और ये जो सोल्यूशन है ना, ये सोल्यूशन के जी इसको पकड़ के मरोड़ दो बस, ये माल निकालने बस, ये सोल्यूशन नहीं कहते हैं जो कौन का लूटा हुआ है। और मुझे बताएं, मैं यही कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ ना, कि 20 सालों में नैब ने आज तक किसी एक सियासतदान को फाइनलिटी कन्विक्शन हुई किसी की? इसीलिए कि माजी में नैब इस्तेमाल हुई है, लेकिन अभी तो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल इज डूइंग, क्या हुआ फिर सपोर्ट कर रहे हैं और साफ पानी में 4-स्टार जनरल का एहतसाब हुआ और उनसे रिकवरी। और दूसरी बात, और साफ पानी ने, पानी के फैसले ने सब कुछ बता दिया। आमिर अब्बास साहब, जनरल जाजवान साहब और समीर इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहाज़ेब को इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।